30 अक्टूबर को 1 लाख रुपए की लूट पागबड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी, जिस पर लगातार नजर बनाई हुई थी। आखिरकार सतत प्रयास के बाद आज पुलिस को कामयाबी मिल ही गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोहित राघव, राजेश राघव, बिक्की, मनीष नाम के आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से 45,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिल, 3 देसी तमंचे, 3 कारतूस बरामद हुए हैं। इन सबका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस ने औचक प्रयास के बाद आखिरकार सफलता हासिल कर ही ली। एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव ने पुलिस टीम का उत्साह वर्धन करते हुए 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया। ये थाना पागवाड़ा क्षेत्र में पिछले महीने की आखिरी तारीख को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक दंपति बैंक में पैसे निकाल करके बाहर आ रहा था, तो उनके द्वारा निकाले गए रुपए, जो उन्होंने बैंक से 45,000 रुपए निकाले थे, वो रास्ते में 2 बाइकों पर सवार 4 लड़कों ने उनसे लूट लिए थे तमंचों के बल पर। कल थाना पागवाड़ा की टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए उन चारों को तमंचों के साथ और उन दोनों बाइकों के सहित गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर भगतपुर की एक और घटना लूट की इन्होंने स्वीकार करी है, तो कुल मिलाकर के 2 लूट की घटनाएं इनके ऊपर खुली। जैसा कि पूछताछ हमने इनसे गहन पूछताछ करी, पूछताछ से पता चला कि ये सब लड़के 20-21 साल के लड़के हैं और अभी बीएससी सेकेंड ईयर या बीएससी थर्ड ईयर में ही है। इनमें से कुछ लड़के ड्राइविंग का भी काम करते हैं, कोई मंडी में काम करता है। क्योंकि इनके पास धन का अभाव था, इसलिए इन्होंने मौके को देखते हुए इस तरह की योजना बनाई कि बैंक के बाहर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कमजोर सा है, बूढ़ा है, उसको टारगेट करना आसान है। तो बैंक में जा करके देखा और इस दंपति के ऊपर हमला किया और उससे पैसे लूट लिए। ये सभी कुछ छोटे मोटे काम करते रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि ड्राइविंग करते हैं, उसमें से दो लोग कोई मंडी में है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है। तो चूंकि अभी पीछे से 1-2 लोगों की अपने ड्राइविंग का जहाँ पे काम कर रहे थे तो वो नौकरी छूट गई थी, इस कारण से कुछ धन अभाव था। चूंकि इनकी फैमिली भी बढ़ रही है, शादी वगैरह करी इनमें से, इन लोगों ने बच्चे हैं, तो इसलिए उनकी कमी पूरी करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए इस तरह की घटना इन्होंने अंजाम दी। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? जो घटना में इन्होंने 2 बाइकें, एक एवेंजर और एक सीबीजी जो जिसका उपयोग किया था, दोनों ही बरामद हो गए इनके साथ में। और घटना में जिन्होंने तमंचों का उपयोग किया था वो भी बरामद हो गए। बरामद हुआ, हाँ, इनके ऊपर से 45,000 रुपए जो घटना में लूट में गए थे वो भी बरामद हो गए। कुछ इनाम भी कैसा पुलिस टीम को दिया गया? पुलिस की टीम के लिए इनाम को भेजा गया है, शीघ्र ही इनको यथाउचित इनाम दिया गया।